हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। हाँ, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम रात की बची हुई रोटियों से चिप्स बना सकते हैं जो कि सभी लोगों को बहुत पसंद आएंगी। तो हमारे साथ आज मेरी दादी जी हैं जो कि आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको बताएंगी कि कैसे हमें चिप्स बनानी है। तो आप देख सकते हैं दादी जी जो कल रात की बची हुई रोटियां हैं उनको काट रही हैं। हमें ऐसे रोटियों को काटना है और उनके पीसेस करने हैं। और यहाँ पे हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये रोटी के पीसेस काट लिए हैं दादी जी ने। अब दादी जी बताएंगी कि हमें आगे क्या करना है। कढ़ाई रखेंगे, इस गैस को चालू करके इसमें तेल डालेंगे। तो कढ़ाई गर्म होने रख दी है और अब इसमें तेल डाल रहे हैं। अब इसमें तेल डाल दिया, इसको गर्म होने दो। अब तेल गर्म होगा। हाँ। और बच्चे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, जो भी ये खाना चाहते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को कहकर ही करें, क्योंकि बच्चों को गैस ऑन नहीं करनी चाहिए। तो अब तेल गरम हो रहा है और यहाँ पे तेल गरम हो चुका है। ये दादी जी चिप्स डाल रही हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे चिप्स को हमें फ्राई करना है। यहाँ पे चिप्स फ्राई हो रही हैं। ये बहुत ही आसान ट्रिक है बनाने की। आप देख सकते हैं इन रोटी का कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउनिश हो रहा है। ये देखिए, ये फ्राई हो चुकी हैं। ये देखिए, अब इसमें दादी जी नमक डाल रही हैं, थोड़ी मिर्ची, लाल मिर्ची, अमचूर, चाट मसाला या जलजीरा, और इसे हमें मिक्स करना है। ये देखिए, ये बन चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारे रोटी के चिप्स। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।